गाइस, आप सब कैसे हैं? तो होप आप सब भी ठीक होंगे। तो किचन गार्डन में इस बार मटरों की खूब सारी बहार थी और जो मटर लगे थे वो भी काफ़ी लगे थे। तो देख सकते हैं अब बहार जो है वो ख़त्म होने को है और अभी फूल नहीं है। जो फूल लगा है उसमें सिर्फ मटर के दाने ये जो हैं वो भर रहे हैं और काफ़ी लगे हैं। तो काफ़ी इन्जॉय हमने अभी किया इन मटर का। तो आज भी हम मटर की दाल जो है वो बनाने जा रहे हैं। सॉरी, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर के पुलाव। तो इस तरह से हमने ये तोड़ लिए हैं और इसमें अभी ना बहुत सारे मटर हैं अंदर अंदर, ये देखिए। तो एक तरफ आप देख सकते हैं ना, ये जो मटर है ना बाहर ख़त्म हो रही है और दूसरी तरफ हमने मटर लगाए हैं। ये थोड़े से हमने लेट लगाए थे, 15-20 दिन लेट लगाए थे, तो इसमें बाहर आने लगी है। जैसे ही ये मटर यहाँ पे ख़त्म होंगे तो वहाँ पे लगने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं कुछ दिनों के गैप पे और लगातार जो है सीज़न में मटर का आनंद जो है वो ले सकते हैं। इकट्ठे लगाओगे तो इकट्ठे ही बाहर आ जाएगी और अलग अलग लगाओगे तो बीच में कुछ दिनों के गैप में लगाओगे तो अलग अलग टाइम में जो है वो लगातार सीज़न में जो है वो मटर का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये मटर जो है इतने ही तोड़ने हैं क्योंकि इतने से हमारी दाल जो है वो बन जाएगी। काफ़ी भरे हुए मटर हैं, पूरे के पूरे मटर के दाने जो हैं वो भरे हैं फली में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं एक तरफ जो है मटर की बहार सूख रही है, बहुत कम रह गए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आने वाली है। तो कुछ इस तरह से आप भी कुछ समय के गैप पर जो है ये मटर लगाकर जो है पूरे सीज़न में मटर का आनंद ले सकते हैं, जैसा कि हम लेने वाले हैं।